मंत्री पद से बर्खास्त और विधानसभा से निलंबित होने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे राजेंद्र गुढ़ा गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी सिलसिले में गुढ़ा ने अपने क्षेत्र में फिर से यात्रा निकाली और सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण के दौरान राजेंद्र गुढ़ा सीएम गहलोत को एहसान फरामोश भी कहते नजर आए। अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का देसी अंदाज वायरल हो रहा है, जहां राजेंद्र गुढ़ा स्कूटी पर बैठकर दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र गुढ़ा के समर्थक भी अपने हाथों से राजेंद्र गुढ़ा को खाना खिला रहे हैं। राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 31 जुलाई को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यता अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने पोस्टर का विमोचन किया। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने का भरोसा दिया। जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेन में 31 जुलाई की सुबह फायरिंग की वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा कि आरपीएफ के ही एक जवान ने ट्रेन के अंदर फायरिंग कर दी, जिसमें एएसआई टीकाराम मीणा समेत 3 अन्य लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। घटना में मारे गए एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर जिले के श्यामपुरा गांव के निवासी थे। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 31 जुलाई की सुबह हुई फायरिंग की वारदात में 4 लोगों की मौत हुई। फायरिंग में मौत के शिकार हुए आरपीएफ के एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर जिले के श्यामपुर गांव के निवासी थे। घटना से जहां श्यामपुर गांव में बेहद गमगीन माहौल है, लेकिन मृतक एएसआई की पत्नी को ग्रामीणों और परिजनों ने अभी तक इस घटना की जानकारी नहीं दी। ग्रामीणों का कहना है कि घटना की जानकारी देने से वो भाव विहिल हो उठेंगी, क्योंकि उनकी डेड बॉडी आने में भी वक्त लग सकता है। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले 5 दिनों में जोरदार बारिश हो सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, जहां भूमाफियाओं ने दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच एक निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चला दिया। इसके अलावा विरोध जताने पर नकाबपोश बदमाशों ने सरिया और लाठियों से भूस्वामी पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। नेशनल हाईवे 68 पर पुलिस ने एक टाटा ट्रक की तलाशी में पशु आहार के बीच कई ब्रांड की पंजाब निर्मित अवैध शराब बरामद की। पुलिस के मुताबिक ट्रक में शराब के 100 कार्टून रखे हुए थे। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना इलाके में एक छात्रा को पानी में यूरिन मिलाकर पिलाने से माहौल बिगड़ गया, जिसके बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं माहौल बिगड़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया।